तो आज हम सीखेंगे लौकी के कोफ्ते बनाना। और ये लौकी को मैंने कद्दूकस करके रख दिया है और इसमें मैंने नमक डाल दिया है और अच्छे से मैं मिला रही हूँ। मिलाने के बाद इसका पानी निचोड़ के मैं रख लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसे गोल गोल करके स्ट्रक्चर बना लूँगी बेसन डाल के। तो ये मैं बेसन डाल के गोल गोल कर रही हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और गोल नहीं हो पाया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरीके से टिक्कियाँ बना ली जाएँ। तो टिक्कियाँ बना रही हूँ मैं, और अब इन टिक्कियों को मैं बहुत ही इजीली कढ़ाई में डालूंगी। और कढ़ाई में डालने के बाद इसे अच्छे से फ्राई कर लूंगी। फ्राई करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, देखिए इस तरीके से। और फिर हम इसे कोफ्ते वाले जो ग्रेवी है उसमें डाल के इसे बना लेंगे। बहुत ही इजी है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो ये आप देख रहे हैं, अभी गर्मियों का मौसम है और बहुत ही इजीली आपको लौकी मिल जाएगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसे तोड़ने के बाद कितना अच्छा क्रिस्पी ये जो है फ्राई हुआ है बेसन डाल के। तो आपको पसंद आया? हाँ, बंद कर देते, दिक्कत नहीं। हर तरह की ग्रेवी में ये बहुत ही अच्छा लगेगा, चाहे वो टमाटो की हो या फिर आप सिंपल अदरक लहसुन की वाली ग्रेवी बनाते हो या बेसन की बनाते हो, सब में बहुत अच्छा लगेगा। तो खाइए।